अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब भाई जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का पहला सिटीज़न पोर्टल लॉन्च हो चुका है, तो इसकी वॉन्टिंग है और बात काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी मसाइल आई हैं इसको इंस्टॉल करने में और रजिस्टर करने में। तो रजिस्ट्रेशन के जो मसाइल आज हम पहले वो डिस्कस करेंगे, दैन हम अगले ट्यूटोरियल में लॉगिन से पहले डाउनलोड किस तरह करते हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम स्क्रीन काफ़ी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी आई कैचिंग हो रही है। उसके फौरी बाद आपके पास पहला पेज जो ओपन होगा वो होगा लॉगिन का। तो लॉगिन पेज में आपके पास यूज़र नेम है, सीएनएसई पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे अपना एंटर कर सकते हैं, उससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन के लिए एक शर्त है कि आपने पहले रजिस्टर करना। तो रजिस्टर के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एक विंडो आएगी, इसमें तीन ड्रॉप डाउन जाना। पहला है इनलैंड पाकिस्तानी शहरी ग्रीन वाला, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला क्लिक करें, अगर आप बाहर रहते हैं तो ये वाला क्लिक करें, अगर आप फॉरेनर हैं कोई गैर मुल्की हैं तो ये वाला क्लिक करें। तो सबसे पहले हम इनलैंड सिटीजन पे जाते हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं सब लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन पर आने के बाद अब हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर होगा, ठीक है जी। तो वो एंटर करेंगे, जैसा कि अब आप देखें मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया, यू विल यूज दिस नंबर फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फाइल, हम इसके साथ आप किसी भी मसला के लिए इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करेंगे, शुक्रिया। तो बेसिकली एक मैसेज है जो आप अपना मोबाइल नंबर जब पिन करेंगे, एंटर करेंगे और कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो आपको फौरी ये मैसेज आ जाएगा। अगर बाद उसका कहीं भी मैसेज आ रहा तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, दो से तीन दफ़ा बार बार अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू दबाएँ, ये लाजमी मैसेज आपके पास आएगा ही आएगा, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आगे चलते, आगे आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। तो यूज़र नेम आपका बेसिकली यहाँ पे अब है फुल नेम है, फुल नेम यहाँ पे एंटर करनी है, उसके बाद आपने अपना जेंडर चेक करना है, जेंडर आपका क्या ठीक है, उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपना फुल नेम लिखूँगा, जो भी मेरा फुल नेम है, लाइक अबू बकर अफजल, लाइक अहमद अदीम, या कोई भी आपको जो भी आपका लगता है कि आपका ये फुल नेम है, तो आप अपना फुल नेम लिखना है, जो आपका बाय बर्थ आपके सीएनएसई नंबर पर है वो आपने लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। तो अभी आपको मैं बेसिकली आपका वो करके दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर मेरा वो है, हमने अपना नाम लिखा, उसके बाद आपने फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ जो सेलेक्ट करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। आपने अपना नाम लिख दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, जनरल सेलेक्ट, उसके बाद आपकी नेक्स्ट विंडो आ जाएगी यूज़र नेम पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड की। यहाँ पर आपने फिर दोबारा कोई भी अपना यूज़र नेम डालना है जो यूनिक हो ना, तो लाइक आप डाल या कोई भी आप अपना चाहते हैं, ये शॉर्टकट है आपका, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना 8 अंकों का पासवर्ड सेलेक्ट करना है और उसी पासवर्ड को दोबारा फिर यहाँ पे लिखना है, लाइक आप अपना पासवर्ड लिखते हैं और यही पासवर्ड आपने नीचे भी लिखना है इसी तरह ही। अपना नाम लिख देना आपने, नेक्स्ट कर देना है। अब देख रहे हैं कि हमारा आखिरी स्टेप है, इस स्टेप के अंदर आपने अपना सीएनएसी लिखना है, सबसे पहले इसका प्रोविंस सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है जी, और उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, एड्रेस लिखना है, ये लिखने के बाद आपने इसको सिंपल फिनिश कर देना और आपका लॉगिन कम्प्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। ये देखेंगे आपको सारे आपके वो आ गए हैं, आपका प्रोविंस कौन सा, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान।